अलैकुम। अलैकुम भाई, आवाज आ रही है आप लोगों को? वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, ये सर आ रही है। तो स्टार्ट करें। बस यही लोग हैं हमारे पास आज। जी भाई, स्टार्ट करें या वेट करें, क्या चाह रहे हैं? सर करवा दें आप स्टार्ट। अगर कोई और आएगा स्टूडेंट तो फिर आप उसे इन कर लीजिएगा क्लास में। फिलहाल सर तो आप यही स्टूडेंट है। ठीक है जी। तो आज हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे डोजेज फॉर्म्स का, ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स का, और देन हम मूव कर जाएंगे सॉल्यूशंस पर। ठीक है, तो जो करिकुलम या कोर्स आउटलाइन मैंने आपसे शेयर किया था, उसको हम एज इट इज उसके फ्लो को जो है वो फॉलो नहीं कर रहे। द रीजन भी कि उसमें जो पहला यूनिट है हमारे पास कैलकुलेशंस का, वो या तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है या बहुत ज़्यादा बोरिंग हो सकता है। एनी हाउ, उसमें हमारा हो सकता है कि तुम्हारा टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता, इसलिए पहले दूसरी चीज़ों को मैंने पहले रखा है और कैलकुलेशन जो है वो हम लास्ट में जाके देखेंगे, कैलकुलेशंस के यूनिट को। ठीक है जी। तो डोजेज फॉर्म्स, ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स का थोड़ा सा ओरिएंटेशन, और उसके बाद हम मूव कर जाएंगे सॉल्यूशंस पर, और फिर कल का जो हमारा सेशन होगा उसमें हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की तरफ चले जाएंगे। ठीक जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ वी डिफाइन अ ड्रग? आई होप कि ड्रग की ये डेफिनेशन जो है वो आपके लिए नई नहीं होगी। पहले भी आप ये डेफिनेशन ड्रग या ड्रग कंपाउंड की देख रखी है। तो ड्रग को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एज एनी एजेंट विच इज इंटेंडेड फॉर यूज इन द डायग्नोसिस, किसी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए, उसके स्टेज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी एजेंट हम यूज कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं ड्रग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सीटी स्कैन के लिए जो कंट्रास्ट एजेंट पहले इंट्रावेनसली बॉडी में एडमिनिस्टर किए जाते हैं और फिर कुछ टाइम अलाउ किया जाता है कि वो कम्प्लीटली बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और उसके बाद हम रेडियोग्राफिक इमेजेस बॉडी के लेते हैं और उसमें ये देखते हैं कि वो कंट्रास्ट एजेंट बॉडी के कौन से टिश्यूज में एक्यूमुलेट हुआ है, जिससे हम ये डायग्नोसिस करने में हमें हेल्प आउट होती है कि पेशेंट को इधर कैंसर है, और अगर है तो उसको बॉडी के किस पार्ट में ज्यादा कैंसर हुआ हुआ है। राइट। मिटिगेशन करने के लिए किसी जो सीवियरिटी है डिजीज की, या फॉर एग्जांपल पेन है, उसकी सीवियरिटी को रिड्यूस करने के लिए, जैसे कि कैंसर पेन है, तो वो एजेंट्स जो सीवियरिटी को रिड्यूस करेंगे यानी कि मिटिगेशन करेंगे, उसे भी हम कहते हैं ड्रग। देन वो सारे एजेंट्स जो ट्रीटमेंट और क्योर करने के लिए, ट्रीटमेंट से भी मीन के जो इम्प्रूव करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट्स, और क्योर से भी मीन के जो डिजीज को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देते हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है, तो ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन को कम्प्लीटली बॉडी से एलिमिनेट कर देना कहलाएगा क्योर, और ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स की इन टर्म्स ऑफ सिम्टम्स और अदर जो उसकी सीवियरिटीज हैं उनके अकॉर्डिंग पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना कहलाएगा ट्रीटमेंट। राइट जी। देन हर वो एजेंट जो कि हम यूज करें प्रिवेंशन के लिए, डिजीज के होने को रोकने के लिए, जैसे कि हमारे पास आजकल जो सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है वो
वैक्सीन की है, जिसमें हम सिर्फ 2 डोजेस लेकर और कोविड के होने को, कोविड से इन्फेक्ट होने को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, ड्रग की बात। अब ये ड्रग कैसे आती है, कितने मराहिल से गुजरती है, यूजुअली इसकी जो सोर्सेस है हमारे पास वो प्लांट सोर्सेस, एनिमल सोर्सेस, जेनेटिक सोर्सेस से, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से और माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म की सोर्सेस से हमें किसी तरह से लीड मिलती है कि इस कंपाउंड में कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी मौजूद हो सकती है। फॉर एग्जांपल टर्मेरिक, टर्मेरिक पाउडर या टर्मेरिक जो है हल्दी, जो कॉमन स्पाइस है हमारे यहाँ घरों पर, कॉमन स्पाइस है ये हल्दी जो है वो अमूमन इंजरी किसी को हो जाए, घरों में अगर किसी को इंजरी हो जाए तो जो पुराने लोग हैं वो इसकी एक ऑइंटमेंट हल्दी की गर्म तेल में, हॉट ऑयल में उसकी ऑइंटमेंट बना के, उसकी पट्टी बना के उस पर बांध देते थे, जिससे पेन में रिलीफ मिलता है और इन्फ्लेमेशन में जो है वो रिलीफ मिलता है। अब यहाँ से एक लीड मिलती है कि जी इस हल्दी में, इस हल्दी में कोई एक ऐसी चीज मौजूद है जो कि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है। ठीक है जी, अब इसके ऊपर काम होगा, इस हल्दी के ऊपर काम होगा, इसमें जितनी भी कंस्टिट्यूट्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स उसमें मौजूद हैं उनको एक्सट्रैक्ट आउट किया जाएगा, उनको एक्सट्रैक्ट आउट करके और उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, पहले उनकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज को देखा जाता है, उनकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करने के बाद फिर उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज देखी जाती हैं, पहले ह्यूमंस में और एनिमल में जाने से पहले इन विट्रो स्टडीज की जाती हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर उन कंपाउंड्स की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को देखा जाता है। ठीक है जी, सेल कल्चर्स में सेल्स के ऊपर लगा के और दूसरे कई तरीकों से इन विट्रो स्टडीज की जाती हैं, जिसमें किसी भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूटिलाइज किए बगैर एक इनिशियल पिक्चर मिलती है कि ये कंपाउंड किस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी। प्रीक्लिनिकल टेस्टिंग में ही देन हम फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज उस ड्रग की डिटरमाइन होती है, उसकी टॉक्सिसिटी क्या होगी, बायो एक्टिविटी क्या होगी, ये इन विट्रो हम करते हैं, इन विवो शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है एनिमल्स में। ठीक है जी, एनिमल्स में जो एनिमल स्टडीज है, इस सारे काम को हम कहते हैं प्रीक्लिनिकल टेस्टिंग, प्रीक्लिनिकल टेस्टिंग। और यहीं पर हम देखते हैं कि ऐसे जो कंपाउंड्स जो हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, जो स्क्रीन किए हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन क्या है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उनका मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन किस तरह से होगा, यानी कि किसी ड्रग को अगर हम ऑरली एडमिनिस्टर करें तो वो जीआईटी के कौन से रूट से, कौन से पार्ट से उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो ड्रग जब चली जाएगी तो कौन कौन से हिस्सों में जाके डिस्ट्रीब्यूट होगी। आपने फार्माकोकाइनेटिक्स तो पढ़ी है, अभी नहीं पढ़ी, फार्माकोकाइनेटिक्स, बायोफार्मास्यूटिक्स किसी ने पढ़ा हुआ, जी भाई जी जनाब, ओपो A5 जी, ओपो आपको पता है, आपका नाम ओपो A5 है, जी भाई लोग जाग रहे हैं या नहीं, वकील अहमद? हाँ सर, जी सर, जी जाग रहे हैं। अच्छा, चलें ठीक है जी। देन हम प्री क्लिनिकल टेस्टिंग के बाद ड्रग जो है वो जाती है क्लिनिकल ट्रायल्स में, जिसमें हमारे पास उमूमन 3 फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3।
वीक क्लिनिकल टेस्टिंग में ड्रग कंपाउंड को 3.5 इयर्स का एवरेज ड्यूरेशन जो है वो लग जाता है उसको स्क्रीनिंग होने में, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज और एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन उसकी किस तरह से होगी, या उस कंपाउंड में टॉक्सिकोलॉजी कितनी है, ये सारा डिटरमाइन होने में 3.5 इयर्स एवरेज जो है वो लग जाता है। देने ड्रग कंपाउंड हमारा चला जाता है क्लिनिकल ट्रायल्स में, जहाँ फेज वन में ड्रग्स हेल्थी वॉलंटियर्स पे स्टडी की जाती है 20 से 80 पेशेंट्स। ठीक है जी, यहाँ पे हम सेफ्टी प्रोफाइल देखते हैं और ड्रग कितनी टॉलरेट की जा सकती है वो हम डिटरमाइन करते हैं। फेज टू में ये पेशेंट्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है, 100 से 300 हो जाता है, और ये वो जगह है फेज टू जहाँ पर हमें फाइनल डोजेज फॉर्म के बारे में डिसीजन लेना होता है कि ये जो ड्रग हमने डिस्कवर की है, जो एक्सप्लोर की है, जो हम स्क्रीन करते हुए आए हैं, इसका डोजेज फॉर्म अब क्या होने वाला है, फाइनल डोजेज फॉर्म इसका हम क्या रखेंगे, ये हम डिसाइड करते हैं फेज टू क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है जी, देन फेज थ्री में लार्जर मजीद जो है वो 1000 से 3000 पे चला जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ ये बात देखने की है कि प्री क्लिनिकल टेस्टिंग होती है, देन क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज टू में जाके जहाँ पे ह्यूमन स्टडीज हो रही होती है वहाँ हमने फाइनल डोजेज फॉर्म सेलेक्ट करना होता है। डोजेज फॉर्म क्या है ये हम आगे जाके देख लेंगे। यहाँ पर हमें एवरेज 7.5 ईयर्स लग जाते हैं, देन ये FDA में चली जाती है, वहाँ अप्रूवल के लिए जाती है। अगर FDA से अप्रूव हो जाती है क्लिनिकल तो प्रोडक्ट मार्केट में जाती है, और मार्केट में जाने के बाद भी एक अर्से तक हम उसको सर्वेलेंस में रखते हैं, उसको मॉनिटर करते रहते हैं कि उससे क्या इम्पैक्ट मार्केट में आ रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये जो हमने सिंथेसिस से बात स्टार्ट की थी, यहाँ पर हमारे पास यूजुअली मोर देन 10,000 नंबर्स ड्रग्स का होता है। अगर 10,000 से ज़्यादा ड्रग्स सिंथेसिस के प्रोसेस से गुजरी हों तो उसमें से सिर्फ 2 से 5 ऐसी मेडिकेशंस होती हैं, एजेंट्स होते हैं जो कि फेज टू या फेज थ्री जो क्लिनिकल स्टडीज हैं उसमें पहुंच सकती हूँ, और उनमें से सिर्फ 2 से 5 और 1 से 2 एक एजेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कमर्शियल प्रोडक्ट की फॉर्म में मार्केट में पहुंच सकते हो। ठीक है, तो 3.5 इयर्स ये और 7.5 इयर्स ये और अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर ये, तो इट मींस के मोर देन टेन ईयर्स लगते हैं। जब 10,000 ऑफ मॉलिक्यूल्स पे काम हो रहा हो उसमें से सिर्फ 1 से 2 ड्रग जाके मार्केट निकलती है। ठीक है जी, ये हमारे पास अमूमन प्रोसेस है कि एप्लीकेशन का प्रोसीजर कि किस तरह से एक नई ड्रग, यहाँ पे जो हमने देखा है उसी का फ्लो चार्ट यहाँ पे बना हुआ है। नई ड्रग जो हमारे पास हमें मिलती है वो प्लांट सोर्सेस हमारे पास होती है, या लेबॉरेटरी में सिंथेसिस की जाती है एनिमल सोर्सेस, जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन थेरापी के थ्रू। ये वो सोर्सेस हैं जहाँ से हमें कोई नया न्यू मॉलिकुलर एंटिटी मिलती है, कोई नया कंपाउंड हमें मिलता है। यहाँ से फिर ये उसी तरह से प्री क्लिनिकल स्टडीज में जाता है, प्री क्लिनिकल के बाद क्लिनिकल ट्रायल्स में जाने से पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती है FDA को इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग की, क्योंकि ह्यूमन बींग्स पे अभी जाना होता है। अच्छा जी, आप लोगों का आवाज आ रही है, मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल का मैसेज आ रहा है, आवाज क्लियर आ रही है सबको? जी सर, क्लियर आ रही है, आवाज क्लियर आ रही है। ओके जी, ठीक है जी, तो चूंकि इसमें ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व होते हैं इसलिए क्लिनिकल स्टडीज पे जाने से पहले और प्री क्लिनिकल के बाद एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत जो है वो एक एप्लीकेशन FDA में अप्रूव पुट अप की जाती है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन के नाम से। जब ये अप्रूव होती है तो फिर आगे दूसरी स्टडीज चलती हैं क्लिनिकल डेवलपमेंट के नाम से, जिसमें फेज 1, फेज 2 और फेज 3। ठीक है जी, जब यहाँ से अच्छे रिजल्ट निकल के आते हैं देन फाइनल या न्यू ड्रग एप्लीकेशन के नाम से हमारे पास एप्लीकेशन जाती है, ये अप्रूव होती है और फिर मार्केट में प्रोडक्ट आ जाती है। इन दो स्लाइड्स में से आप में आपको कंफ्यूज नहीं होना, समझने की बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारे पास प्लांट सोर्सेस से, एनिमल सोर्सेस से, जेनेटिक इंजीनियरिंग से, लेबॉरेटरी सिंथेसिस से,
और क्या है जी, जीन थेरापी के थ्रू जो है वो हमारे पास न्यू केमिकल एंटिटीज निकलती हैं। मोर देन 10,000 ऑफ ऐसे मॉलिक्यूल्स प्री क्लिनिकल टेस्टिंग में हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं कि उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, उनकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक जी। और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग बॉडी में जब ये जाएंगी तो एब्जॉर्ब किस तरह से होगा, डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से हुई होगी, उसका मेटाबॉलिज्म क्या होगा और बॉडी से फिर वो बाहर निकलेगी कैसे, ये करने के बाद ये चीजें जाती हैं फिर क्लिनिकल ट्रायल्स में। क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज टू में जाके हमें फाइनल डोजेज फॉर्म डिटरमाइन करना होता है, ठीक है जी। अब आइए डोजेज फॉर्म पे। तो डोजेज फॉर्म हमें क्यों चाहिए होता है, तो यहाँ पर पहले हमारे सामने एक सवाल आता है कि क्या किसी ड्रग को, यहाँ पे जो हमारे पास ड्रग कंपाउंड्स निकले हैं, एज इट इज उसकी प्योर फॉर्म में लिया जा सकता है या नहीं। जी भाई, कौन इस पे बल्ब जलाएगा, रोशनी डालेगा? इबादुल्ला, एक ड्रग कंपाउंड अपनी एज इट इज उसी फॉर्म में लिया जा सकता है, खाया जा सकता है, पिया जा सकता है? नो सर। बाय। क्योंकि सर उसको बॉडी के लिहाज से बनाया जाता है, ठीक है, एडमिनिस्टर करने के लिए, ताकि उसमें टॉक्सिक इफेक्ट चेक किया जा सके कि ज्यादा टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं है। चले ठीक जी, तो तकरीबन आपकी बात ठीक है, तकरीबन ठीक है, एग्जैक्ट ठीक नहीं है। इसकी मिसाल इस तरह से है कि अगर एस्पिरिन का जो हमारे पास डोज है, एस्पिरिन का वो 325 मिलीग्राम, 325 मिलीग्राम, ये एस्पिरिन ऐसी चीज है जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड है, क्लिनिकल ट्रायल से भी निकल के आ गई है, इसकी टॉक्सिसिटी और सब चीजें ठीक पता है हमें, सब ओके, अभी हमें कोई डिटरमाइन इसकी करने की जरूरत नहीं। इसी तरह से इथिनिल हिस्ट्राडाइओल जो है उसका डोज है 0.05 मिलीग्राम, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जो एस्पिरिन का जो डोज है 325 मिलीग्राम, अगर किसी को हमने एज अ फार्मासिस्ट अगर 325 मिलीग्राम एस्पिरिन देनी हो, तो वो हम उसको एग्जैक्ट 325 मिलीग्राम किस तरह से निकाल के दे सकेंगे और किस तरह से वो पेशेंट जो है वो 325 मिलीग्राम संभाल के रखेगा और फिर किस तरह से वो एग्जिट 325 मिलीग्राम इनटेक कर सकेगा, क्या इतनी छोटी क्वांटिटी किसी के लिए हैंडल करना आसान है? आसान नहीं। इसी तरह से जो एस्ट्राडियोल जो कि बर्थ कंट्रोल पिल्स का एक्टिव इंग्रेडिएंट है, इथिनिल एस्ट्राडियोल, इसका डोज 0.05 मिलीग्राम है। एस्पिरिन का जो 325 मिलीग्राम डोज है जिसको हम कह रहे हैं कि जी ये हैंडल नहीं कर सकते हम, मिसाल के तौर पे किसी पेशेंट को 15 दिन का ऐसे डोज बना के नहीं दे सकते, या पेशेंट खुद से 325 मिलीग्राम एस्पिरिन की बोतल में से निकाल के नहीं खा सकता, उसके पास तो इतने सेंसिटिव बैलेंसेस नहीं होंगे, ठीक है जी। तो एस्पिरिन के लिए हम कह रहे हैं कि ये 325 मिलीग्राम जो शायद एक एक चुटकी जो है चुटकी बराबर उससे भी कम क्वांटिटी बनती है, उसको हम हैंडल नहीं कर सकते, तो जो एस्ट्राडियोल है उसका डोज 0.05 मिलीग्राम का मतलब ये है कि अगर हमारे पास इक्विवेलेंट क्वांटिटी एस्ट्राडियोल की 325 मिलीग्राम हो और हमें इस डोज की रिक्वायरमेंट हो, इस डोज की हमें अगर टेबलेट बनानी हो 0.05 मिलीग्राम, तो इसमें से हम 6,500 डोजेस बनते हैं एस्ट्राडियोल, 6,500 डोजेस, 325 मिलीग्राम में से एस्ट्राडियोल के 6,500 डोजेस बनते हैं।
तो ये क्वांटिटीज जो है वो हैंडल करना आसान नहीं है और इनकी एक्यूरेटली एडमिनिस्टर करना आसान नहीं है। इसी तरह से एस्ट्राडियोल का जितना माइन्यूट सा डोज है 0.05 मिलीग्राम, उसका मतलब ये है कि अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया, अगर थोड़ा 0.10 मिलीग्राम पे भी चला गया, तो इसका मतलब ये होगा कि ये डोज डबल हो जाएगा और फिर इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी ज्यादा हो जाएंगे। तो हमारे पास पोटेंसी और एक्यूरेसी, पोटेंसी ड्रग्स की, चूंकि ड्रग्स पोटेंट होती हैं, जैसे हमें नजर आ रहा है कि एस्ट्राडियोल का सिर्फ 0.05 मिलीग्राम लेने से जिस पर्पस के लिए वो ली जा रही है वो बर्थ कंट्रोल मिल जाएगी उसके यूजर को। ये इतनी पोटेंसी इस ड्रग्स में है, अगर ये थोड़ी सी भी ज्यादा होगी क्वांटिटी तो ये इसके साइड इफेक्ट्स भी इतने ही ज्यादा हो जाएंगे। तो इस पोटेंसी और एक्यूरेसी को मीट करने के लिए हमें एक कैरियर चाहिए होता है जो इस ड्रग की क्वांटिटी को एक्यूरेटली बॉडी में पहुंचा सके। ठीक है, जैसे कि इसी इसी ड्रग कंपाउंड को उठा के हमने एक फिलर में डाल दिया जिसको हम हैंडल कर सकें आसानी से, जिसको हम डील कर सकें आसानी से, जिसको हम इजीली मूव कर सकें। ठीक है, ये पेशेंट को इजीली दे सके, पेशेंट संभाल सके, पेशेंट देख सके, पेशेंट उसको काउंट कर सके आसानी से। ठीक है जी, तो एक्यूरेसी और पोटेंसी की वजह से हमें लार्जर डोजेज यूनिट चाहिए, लार्जर डोजेज यूनिट चाहिए। 0.05 मिलीग्राम पेशेंट नहीं हैंडल कर सकता। हम एज अ फार्मासिस्ट भी हॉस्पिटल फार्मेसीज में या क्लिनिकल फार्मेसीज में उसको मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए हमें लार्जर डोजेज यूनिट चाहिए होता है। राइट जी, और इसी चीज का नाम जो है वह हमारे पास है डोजेज फॉर्म। अब ये जो ड्रग है, ये ड्रग है, ड्रग के साथ हमने एक और चीज ऐड कर दी है ताकि डोजेज यूनिट जो है वो लार्जर हो सके। ये जो फिलर हमने ऐड किया है या जो डाइल्यूट हम ऐड करेंगे, ये वो चीज है जो कि एक्टिव नहीं है, इसकी अपनी किसी भी तरह की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है। राइट जी, हम ये अज्यूम करते हैं कि इसकी अपनी कोई एक्टिविटी नहीं है, इसीलिए ड्रग को हम कहते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट। और इसके अलावा दीगर जितनी भी चीजें हैं जो हमें उस ड्रग को एक लार्जर डोजेज यूनिट बनाने के लिए चाहिए, उन्हें हम कहते हैं एक्सिपिएंट्स या इनएक्टिव इंग्रेडिएंट। ये दोनों चीजें मिलके बनाती हैं डोजेज फॉर्म। ठीक है, इसको हम कहते हैं डोजेज फॉर्म। एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ कौन से एक्सिपिएंट्स डाले हैं, कितनी क्वांटिटी में डाले हैं, कितने रेशो में ऐड किए हैं, ये चीजें मिलके बनाती हैं फॉर्मुलेशन। ठीक है, जैसे टेबलेट की फार्मूलेशन अलग है, एस्पिरिन या एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड की टेबलेट बहुत सारी कंपनीज की मार्केट में मौजूद होती हैं, लेकिन सारी कंपनीज की टेबलेट एक तरह की नहीं होती। एक तरह की इन सेंस के उसमें जो एस्पिरिन है, जो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, वो तो वही होगा, दोनों में वही चीज होगी, उतनी ही क्वांटिटी जो क्लेम की जा रही है वही होगी, लेकिन डिपेंड करता है कि किसी कंपनी वाले ने डाइल्यूट ज्यादा डाला हो, किसी ने फिलर ज्यादा डाला हो, किसी ने डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट ज्यादा डाला हो। तो ये चीजें डिसाइड करती हैं कि फॉर्मुलेशन, फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन किस तरह की है। ठीक है जी, तो यहां तक हम कह सकते हैं कि डोजेज फॉर्म इज अ फिजिकल फॉर्म ऑफ अ डोज ऑफ अ केमिकल कंपाउंड यूज एज अ ड्रग इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और कंजम्पशन। डोजेज फॉर्म फिजिकल फॉर्म है ड्रग्स की, डोजेज फॉर्म फिजिकल फॉर्म है ड्रग्स की, जिस फॉर्म में वो ड्रग एडमिनिस्टर की जाएगी या कंज्यूम की जाएगी। ठीक है जी, तो ये बात क्लियर है आपको? जी भाई, यहाँ पे किसी के कोई सवाल यहाँ तक? यासिर चांडियो,
विदासी सर, ये समझाते हैं एस्पिरिन वाला जो आपने बताया था ना, 325 mg और 0.05 mg वाला, ये वाला एक दफा रिपीट कर दें। देखें, इसमें ये था कि अगर हमारे पास एस्ट्राडियोल 325 mg में मौजूद, इथिनील एस्ट्राडियोल अगर हमारे पास टोटल कंटेंट अगर हमारे पास मौजूद हो 325 mg, तो उसमें से जो हमारा रिक्वायर्ड डोजेज है 0.05 mg, उस डोज की हम 6,500 टेबलेट्स बना सकते हैं। 325 mg को अगर हम डिवाइड करेंगे, 325 mg को अगर हम डिवाइड करेंगे 0.05 से, तो आप भी करके देख लीजिएगा, ये प्रोबेबली मोर देन 6,000 के आसपास जो है वो आ जाएगा रिजल्ट आपके पास। ठीक है जी, चलिए मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ। 6,500, 325 को डिवाइड करें अगर हम 0.05 से, तो 6,500 इसका आंसर निकलता है। यानी कि इसमें कहने का मकसद ये है कि जी एस्पिरिन 325 mg इज नॉट इजी टू हैंडल जस्ट बिकॉज ऑफ द माइन्यूट क्वांटिटी। सिर्फ माइन्यूट क्वांटिटी की वजह से हम इसको हैंडल नहीं कर सकते 325 mg। जब 325 mg को हैंडल नहीं कर सकते, तो इस चीज का क्या आलम होगा इसका, जिसका डोजेस है 0.05 mg। तो अगर हम इसकी इक्वलेंसी की बात करें, इन दोनों के कंटेंट की इक्वलेंसी की बात करें, एस्पिरिन और इसकी कंटेंट की इक्वल होने की बात करें, कि अगर हमारे पास एस्ट्राडियोल 325 mg टोटल कंटेंट एस्ट्राडियोल का मौजूद होता, जिसको कि हम हैंडल नहीं कर सकते, उसमें से 6,500 डोज बनते हैं सिर्फ 325 mg, जो हमारी एक चुटकी पे आएगा, उसमें से हमने 6,500 डोज बनाने हैं, तो कैसे बनेंगे ये डोज, ये पॉइंट आपको समझाने की कोशिश इसमें की गई है। ठीक है सर। क्लियर हो गई बात आपको जी? मगाद सर 6,500 जो है वो टेबलेट होंगी सर? बेटा, अभी तो हमसे डोज की बात कर रहे हैं। यहाँ यहाँ तक तो हमने बात की थी डोज की ना, यहाँ इस सेक्शन में, अगर यहाँ से। वो मतलब के 0.05 की मतलब के हम डोज बनाएंगे एक छोटी छोटी ना। डोज बनाएंगे, जहां मिसाल के तौर पे जब हम कहते हैं पेनाडोल 500 mg, पेनाडोल 500 mg, तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें 500 mg पेरासिटामोल है। वो जो पूरी टेबलेट है वो 500 mg की नहीं होती, वो तो 500 mg से बहुत ज्यादा की होती है। पेनाडोल 500 mg में 500 mg पेरासिटामोल मौजूद होता है, वो पूरी टेबलेट तो 1.5 ग्राम से भी ज्यादा की होगी। यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि हमें कार्डियक अरेस्ट को प्रिवेंट करने के लिए या क्लोगिंग वेजल्स में, ब्लड वेजल्स में क्लोगिंग को प्रिवेंट करने के लिए एस्पिरिन का जो डोज है वो हमें 325 mg चाहिए। ये 325 mg चाहे हम 1 किलो स्टार्च के साथ खाएं, या 2 ग्राम के टेबलेट के साथ खाएं, या 5 ml के सिरप में लें, हमें मेन जो एक्टिविटी मिलेगी वो 325 mg से मिलेगी। तो यहाँ तक इस एरिया से पहले तक हमने जो बात की वो ये बात की है कि हमें एस्पिरिन 325 mg चाहिए होती है, जो इसका पर्पस है, उस पर्पस के लिए। एथिनिल एस्ट्राडियोल 0.05 mg चाहिए होती है, जो हमें पर्पस हासिल करना है, मकसद के लिए, वो असल क्वांटिटी है। लेकिन उनकी वजूहत क्या है, पोटेंसी और एक्यूरेसी की वजह से हमें पर जाना पड़ता है यहाँ, जिसको हम कहते हैं डोजेज फॉर्म। ठीक है जी, बात जी जी सर। मगर ओके क्लियर होगी बात? चलिए जी, तो इस सेशन में हमारे पास 1 मिनट से कम रह गया,
इसको हम क्लोज करते हैं और दूसरा सेशन स्टार्ट करते हैं, उसको आप जल्दी से ज्वाइन करें ताकि हम अपनी बात जो है वो आगे बढ़ाएं। ठीक है जी, आगे कोई सवाल है या किसी और का सवाल है तो वो बता दो। सर इन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का थोड़ा समझा दें सर। देखें, एक्टिव इंग्रेडिएंट हम उसको कहते हैं जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव हो, यानी कि हमारी बॉडी में जाके और किसी भी तरह की बायोलॉजिकल एक्टिविटी, केमिकल एक्टिविटी जो प्रोसेसेस हैं हमारे बॉडी में उनको अल्टर कर सके, उनको इम्पेक्ट कर सके, उसके ऊपर असर अंदाज हो सके। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमारे इंसेक्ट्स हैं तो एनसेट्स जो है, जो हमारा पेन का साइकिल है या पेन का जो पाथवे है, उस पाथवे पे कहीं ना कहीं जाके किसी पाथवे को ब्लॉक करते हैं जिसकी वजह से पेन रिलीफ मिलता है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि ये एक्टिव है। इनएक्टिव इंग्रेडिएंट जैसे कि स्टार्च, अगर अगर ये जो स्टार्च है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ड्रग है, इसके साथ मैंने ये ड्रग है, इसके साथ ये सारा स्टार्च है, तो ये स्टार्च की अपनी कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है किसी भी तरह की फार्मा। अगर मैं खाली स्टार्च खा लूं तो मुझे कोई पेन रिलीफ नहीं मिलेगा, मुझे कोई किसी और तरह की थेरापूटिक बेनिफिट नहीं।